गाइस पाकिस्तान में गाड़ियों के रेट काफी ज्यादा तेजी से ऊपर जा रहे हैं और ये किसी स्पेसिफिक कंपनी का नहीं है बल्कि तकरीबन जितनी भी कंपनी है उनका ऑलमोस्ट सारी की सारी कंपनियों के ही रेट जो है वो काफी ज्यादा तेजी से ऊपर जा रहे हैं और इसकी वजह से कुछ कंपनीज की सेल्स भी काफी ज्यादा ड्रॉप हुई है और इसके साथ साथ गाड़ियों के स्पेयर पार्ट की मार्केट के ऊपर भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। अब हम जितना भी स्पेयर पार्ट पाकिस्तान में यूटिलाइज करते हैं उसकी एक बहुत बड़ी परसेंटेज हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं और जितना भी हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं उसका ऑलमोस्ट 70% हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर। चाइना से किस तरीके से स्पेयर पार्ट इंपोर्ट किया जाता है ये जानने से ज्यादा जरूरी ये जानना है कि कौन कौन सी चीजें हमें इंपोर्ट करनी चाहिए और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं कि जिनको हमें इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। अब बेसिकली काफी ज्यादा स्पेयर पार्ट ऐसा है कि जो पाकिस्तान में लोकली मैन्युफैक्चर हो रहा है बट वो क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग नहीं प्रोवाइड कर सकते, उसकी काफी ज्यादा रीजन है। सबसे बड़ी रीजन ये है कि पाकिस्तान के अंदर वो क्वालिटी की मशीनरीज अवेलेबल नहीं है और काफी ज्यादा लोग चाइना से मशीनरी मंगवाने की जगह पर इस चीज को प्रेफरेंस देते हैं कि हम जो है बना बनाया सामान वहां से इंपोर्ट करें और यहाँ पर जो है हम आगे रीसेल आउट कर दें। इसके जरिए बात है कि कुछ फायदे भी हैं कि हमें इतनी ज्यादा जो है वो टेंशन नहीं लेनी पड़ती, जरिए बात है कि वहां से माल आया यहाँ से ऑर्डर लिए और उसके बाद माल सप्लाई करके दोबारा हमने जो है वो इंपोर्ट के लिए आगे ऑर्डर भेज दिए। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनको अगर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर की जाए तो हमें काफी ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करें बट स्टिल देखा जाता है कि भी जो चाइना से इंपोर्ट होती है और जो पाकिस्तान में एक चीज मैन्युफैक्चर होती है उसकी क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। मतलब कि जो पाकिस्तान की क्वालिटी है वो चाइना की क्वालिटी को कम्पीट नहीं कर सकती। चाइना में बेसिकली जो स्पेयर पार्ट है वो ज्यादातर हमें डिफरेंट एरियाज के अंदर मिलता है, जैसे कि अगर हमने इंजन पार्ट्स लेने हैं इंजन पार्ट्स हमें आउजियांग के अंदर फिंगयांग जो कंट्री साइड एरियाज है वहां से देखने को मिलते हैं, लेकिन सारे के सारे इंजन पार्ट्स की फैक्ट्रियां भी हमें वहां पर देखने को नहीं मिलती। वहां पर भी हमें स्पेसिफिकली पिस्टन हो गए या इंजन बैरिंग्स हो गए उनकी फैक्ट्रियां देखने को मिलती हैं और क्रैंकशाफ्ट जैसे कि होगी वो इंजन का पार्ट है लेकिन उसकी फैक्ट्री हमें जो है काफी ज्यादा जो बड़ी फैक्ट्री है वो हमें शेनलोंग के अंदर देखने को मिलती है और इसके अलावा जो बॉडी पार्ट होता है वो मिजोचांग प्रोविंस के अंदर निंगबू शहर हो गया वेंजू शहर हो गया इनके अंदर काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और अगर ओवरऑल हमने ट्रेडिंग कंपनीज देखनी है तो ट्रेडिंग कंपनीज ऑटो पार्ट्स की हमें गोंगजू के अंदर देखने को मिलती हैं, ईवू के अंदर देखने को मिलती हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। मतलब कि काफी ज्यादा उनके पास वैरायटी अवेलेबल होती है। देखिए मैन्युफैक्चरर जो होते हैं ना उसके पास ज्यादा वैरायटी नहीं अवेलेबल होती, उसके पास कॉस्ट एफिशिएंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं लेकिन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं जो कि वो मैन्युफैक्चर कर रहा होता है। और वहीं पर जो ट्रेडिंग कंपनी होती है उसके पास काफी ज्यादा वैरायटी तो अवेलेबल होती है, मतलब कि बहुत ज्यादा किस्मों का आपको उसके पास सामान तो मिल जाएगा लेकिन वो इतना ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट नहीं होगा। जारी बात है कि वो भी कमाने के लिए बैठा है और उसने मैन्युफैक्चरर से लेके आगे सेल आउट करना है तो वो जो है वहां पर अपना भी प्रॉफिट जारी बात रखेगा। और ऐसी ट्रेडिंग कंपनियां जो है काफी ज्यादा जो है वो थोड़ी क्वांटिटी के अंदर भी प्रोवाइड कर देती हैं। देखें अगर हम डायरेक्टली किसी मैन्युफैक्चरर को अप्रोच करेंगे ना उसको बोलेंगे कि भी हमें ये सामान चाहिए और हमें थोड़ी क्वांटिटी के अंदर चाहिए तो वो हमें नहीं देगा, बट जो ट्रेडिंग कंपनी होगी जो वहां पर काम कर रही होगी वो उसको प्रोवाइड कर देगा, वो आगे जारी बात है कि हमें रीसेल कर देगा क्योंकि वो ऑलरेडी उस मैन्युफैक्चरर के साथ चल रहा है और काफी ज्यादा और प्रोडक्ट्स भी वो खरीद रहा है। इस वजह से ट्रेडिंग कंपनीज को जो है वो मैन्युफैक्चरर सामान थोड़ी क्वांटिटी में प्रोवाइड कर देते हैं बट हम लोगों को वो प्रोवाइड नहीं करते। और जो लोग थोड़ी क्वांटिटी से स्टार्ट करना चाहते हैं वो तो जारी बात है कि फिर ट्रेडिंग कंपनी के पास ही जाएंगे और ट्रेडिंग कंपनी से फिर परचेज करके पाकिस्तान में इंपोर्ट करेंगे। उनको मैन्युफैक्चरर के पास जाना कभी भी वारा नहीं खाएगा क्योंकि अव्वल तो मैन्युफैक्चरर उनको प्रोवाइड नहीं करेगा सामान, अगर बहुत ज्यादा टिल लगाकर वो सामान ले भी लेता है तो इतना ज्यादा कोई प्राइस का जो है वो डिफरेंस नहीं रहेगा, मैन्युफैक्चरर भी आपको काफी ज्यादा ऊंचे रेट पर लगाकर माल देगा। याद रखिएगा कि जो सा भी सामान आप इंपोर्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपने उसकी कस्टम ड्यूटीज कैलकुलेट करनी है और कस्टम ड्यूटीज कैलकुलेट करने के बाद उस सामान की जो अगली कंपनी आपको कोटेशन देगी उसके साथ ऐड करके देखना है कि वो सामान आपको पाकिस्तान में वारा खाएगा भी सही या नहीं खाएगा। अगर वो नहीं खाएगा तो जारी बात है कि फिर आपको किसी और ट्रेडिंग कंपनी से रब्ता करना होगा और उनसे फिर जो है आपने डिटेल लेनी होगी ताकि आपको एक प्राइस एफिशिएंट प्रोडक्ट मिल जाए जिसको आप पाकिस्तान में रीसेल करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। अब पाकिस्तान में इंपोर्ट करने के बाद जो प्रॉफिट कमाया जाता है वो बेसिकली कम अज कम मिनिमम जो प्रॉफिट मार्जिन होता है 30-35% जो है प्रॉफिट मार्जिन रखा जाता है। उसकी रीजन ये है कि जब भी आप इंपोर्ट करते हैं तो वो इंपोर्ट आपके पास पहुंचते 30-35 दिन लग जाते हैं और इतने दिन के लिए आपकी पेमेंट जारी बात है कि फिर बाउंड रहती है तो उसका उस हिसाब से आप प्रॉफिट मार्जिन भी रखते हैं अपना। याद रखिएगा कि गाड़ियां जितनी भी होती हैं वो डेप्रिशिएटिंग एसेट होती हैं, मतलब कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी वैल्यूज गिराती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर गाड़ियां भी हमारे लिए कमर्शियल प्लॉट बनी हुई हैं जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी वैल्यूज बढ़ाती जा रही हैं। वेल दैट्स ऑल फॉर इट, सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।